दोस्तों, अमेरिका की सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक की तरह स्विट्जरलैंड का क्रेडिट स्विस बैंक भी कोलैप्स करने की स्थिति में आ चुका है। जहां सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक्स टेक और क्रिप्टो स्टार्टअप से जुड़े लोगों को कैटर करते थे, वहीं क्रेडिट स्विस के क्लाइंट्स काफी डाइवर्स हैं, जिस वजह से ये खतरा भी मंडरा रहा है कि कहीं इस बैंक का कोलैप्स 2008 की तरह पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी ना ले आए। क्या है क्रेडिट स्विस के कोलैप्स की तरफ बढ़ने की कहानी और क्या इसे रोका जा सकता है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्रेडिट स्विस बैंकिंग में एक बहुत बड़ा नाम है और आज इस बैंक के ऑपरेशंस 50 से भी ज्यादा देशों में फैले हुए हैं। इससे पहले कि हम इस पर आएं कि बैंक कोलैप्स क्यों कर रहा है, इससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये बैंक आखिर करता क्या है। इस बैंक के चार मेजर ऑपरेशंस हैं। पहला है वेल्थ मैनेजमेंट, जिसमें ये लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पैसे को मैनेज करते हैं और उन्हें फाइनेंस सिक्योर करने में मदद भी करते हैं। इस वेल्थ मैनेजमेंट से ही इनका 37% रेवेन्यू आता है। इस बैंक का दूसरा बड़ा सेगमेंट है स्विस बैंक, यानी कि ये स्विट्जरलैंड में एक आम बैंक की तरह भी ऑपरेट करता है। यहाँ से इनका 32% रेवेन्यू आता है, क्योंकि दुनिया भर के लोग स्विस बैंक्स में अपने पैसे रखना पसंद करते हैं ताकि उन्हें ट्रैक ना किया जा सके। इसके बाद बैंक का तीसरा बड़ा सेगमेंट है इन्वेस्टमेंट। ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक की तरह भी एक्ट करता है, जो कि कॉर्पोरेट मर्जर्स में भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है और साथ ही हेज फंड्स को ब्रोकरेज जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। आखिर में बैंक का चौथा सेगमेंट है एसेट मैनेजमेंट, जहां से इनका 9% रेवेन्यू आता है और इसमें ये म्यूचुअल फंड्स जैसी सर्विसेज भी देते हैं। क्रेडिट स्विस का डिक्लाइन आज से नहीं शुरू हो गया था, बल्कि ये कहानी 2018 से चल रही है। 2018 से 2022 के बीच में इनके शेयर्स की वैल्यू 90% तक गिर गई है और अभी अभी क्रेडिट स्विस ने स्विस सेंट्रल बैंक से $54 बिलियन का लोन भी लिया है। जबकि इससे एक दिन पहले ही बैंक के बोर्ड मेंबर एलेक्स लेहमान का ये बयान आया था कि बैंक अच्छी स्टेट में है और उन्हें कोई गवर्नमेंट असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। क्रेडिट स्विस की बिजनेस प्रैक्टिसेस को लेकर हमेशा ही मीडिया में सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि एक स्विस बैंक होने के कारण हमेशा ये इल्जाम उन पर लगा है कि वो अमीर लोगों को टैक्स चुराने में मदद कर रहे हैं और इसके लिए उन पर लगातार फाइन्स भी लगते रहते थे। 2014 में उन्हें $4 बिलियन सेटलमेंट के रूप में देने पड़े थे, जब उन्होंने अपने क्लाइंट्स को टैक्स चुराने में मदद की थी। फिर 2017 में भी उन्होंने $5 बिलियन पे किए थे और इस बार केस मॉर्टेज बैक्ड सिक्योरिटीज की फ्रॉडलेंट सेल का था। 2021 में भी उन्होंने $500 मिलियन खर्च किए थे ताकि वो मोजाम्बिक में हुए एक स्कैंडल से खुद को अलग कर सके। तो हम तो ये खुद देख सकते हैं कि उनकी और लॉ एनफोर्समेंट की जंग पुरानी है, लेकिन अभी तक क्रेडिट स्विस इतना प्रॉफिट कमा रहा था कि ये फाइन्स उनके लिए बिजनेस एक्सपेंसेस की तरह हो गए थे और मार्केट उन्हें अभी भी एक सक्सेसफुल और ट्रस्टेड बैंक की तरह ही देख रहा था। ये सभी कुछ बदला 2021 में, जब ग्रीन सिल कैपिटल नाम की एक ब्रिटिश कंपनी ने ये दावा किया कि उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से वो फाइनेंस की सप्लाई चेन इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर देंगे और साथ ही उनका एल्गोरिथम ये डिटरमाइन करने में भी बहुत आगे है कि किसे लोन्स देना सेफ है। देखने में तो ये कंपनी लेजिटिमेट ही लग रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि उनका AI परफेक्ट नहीं है और वो ज्यादातर कैपिटल को कुछ थोड़े से रिस्की इंडस्ट्रियल बोरोवर्स को ही दे रहा है, जिस वजह से बाद में ये कंपनी कोलैप्स कर गई। क्रेडिट स्विस और ग्रीन सिल का आपस में काफी गहरा रिश्ता था। क्रेडिट स्विस उन्हें बैक भी कर रहा था, साथ ही उन्होंने अपने क्लाइंट्स को भी ग्रीन सिल के बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए थे, जिससे काफी क्लाइंट्स का नुकसान हुआ। इसके साथ साथ क्रेडिट स्विस ने आर्केगोस नाम के एक हेज फंड को भी लोन दिए थे और $4.7 बिलियन का नुकसान झेला था, जिस वजह से 2021 में बैंक पूरी तरह से लॉस में रहा। इसके बाद उन्होंने बैंक को रिस्ट्रक्चर करने की बात की, अपने इन्वेस्टमेंट बैंक के हेड को फायर कर दिया और साथ ही अपने शेयर होल्डर से $1.9 बिलियन भी रेस कर लिए ताकि उनकी बैलेंस शीट अच्छी दिखे। इसके बाद 2022 में भी रिस्ट्रक्चरिंग की कोशिश चलती रही, लेकिन ये साल भी उनके लिए बहुत बुरा गया और साल के सभी क्वार्टर्स में उन्होंने नेगेटिव इनकम जनरेट की। साथ ही साल के अंत में जिस तरह दुनिया भर में इन्फ्लेशन के कारण इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे और स्टॉक मार्केट गिरता रहा, उसने भी सभी इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए मुश्किलें बढ़ा दी थी। क्रेडिट स्विस का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन बुरी हालत में था और 2021 के मुकाबले उनका रेवेन्यू पिछले साल 53% तक गिर गया था। लेकिन क्रेडिट स्विस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट अभी भी वेल्थ मैनेजमेंट ही है, उनके 40% रेवेन्यू के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर उनके क्लाइंट्स पहले ही ग्रीन सिल और आर्केगोस से हुए अपने लॉस के कारण परेशान थे और उन्होंने इसी वजह से नाराज होकर क्रेडिट स्विस से अपना पैसा बाहर निकालना शुरू कर दिया था और बैंक के एसेट्स 27% तक गिर गए थे। जहाँ 2021 के अंत में ये 740 बिलियन फ्रैंक्स पर थे, ये 2022 में गिरकर 540 बिलियन पर पहुंच गए थे। इस ड्रॉप की बड़ी वजह ये बताई जा रही थी कि अमीर क्लाइंट्स का भरोसा बैंक पर से उठ गया था
और इसीलिए वो कॉम्पिटिटर्स के पास जा रहे थे। लेकिन बैंक का कहना था कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज फैलाई जा रही है, जिस वजह से उनके कस्टमर्स में एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन कारण कुछ भी हो, सच्चाई ये थी कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स बैंक को छोड़कर जा रहे थे। और तब 2022 में क्रेडिट स्विस ने एक नई रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी को दुनिया के सामने रखा, जो 3 साल लंबा एक प्लान था। इस प्लान के मुताबिक उन्होंने 1998 में एक न्यूयॉर्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंक फर्स्ट बोस्टन को खरीदा था, जिसे वो अब क्रेडिट स्विस से अलग करके एक नई एंटिटी के रूप में स्थापित कर रहे थे। इसके पीछे का सिंपल कारण ये था कि फर्स्ट बोस्टन पिछले कई वक्त में सारे स्कैंडल्स का शिकार हुआ है, जिस वजह से क्रेडिट स्विस खुद को उससे अलग दिखाना चाह रहा था। इसके साथ साथ अपने रिस्ट्रक्चरिंग प्लान में उन्होंने 9000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को नौकरी से निकालने की बात भी कही थी, जो क्रेडिट स्विस की 20% वर्कफोर्स थी। एक तरह से ये कदम ये भी दर्शाता है कि क्रेडिट स्विस अब अपने इन्वेस्टमेंट बैंक को थोड़ा सा स्केल डाउन कर रहा है और वेल्थ मैनेजमेंट को अपनी प्रायोरिटी बनाना चाह रहा है। इसी के साथ साथ उन्होंने अपने कई डिविजन और बिजनेसेस को डायरेक्टली दूसरी कंपनीज या बैंक्स को बेचने की बात भी इस रिस्ट्रक्चरिंग में की थी। इन सब के साथ साथ उन्होंने सऊदी नेशनल बैंक द्वारा लीड किए गए इन्वेस्टर्स की मदद में $4 बिलियन भी रेज किए थे। और इस तरह क्रेडिट स्विस का सबसे बड़ा ओनर अब 9.9% स्टेक के साथ सऊदी नेशनल बैंक बन गया था। ऐसा लग रहा था कि फाइनली क्रेडिट स्विस अपनी गलतियों को सुधार कर रहा है, लेकिन फिर अचानक मार्च में सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो जाता है और इसके साथ ही साथ क्रेडिट स्विस के शेयर्स में भी 20% की गिरावट देखने को मिलती है। फिर इसके तुरंत बाद क्रेडिट स्विस अगले दिन कंपनी एनुअल रिपोर्ट जारी करता है, जिनमें ना सिर्फ उनके 2022 के लॉसेस शामिल होते हैं, बल्कि साथ ही में ये मेंशन्ड होता है कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, जिस वजह से ये रिपोर्ट तैयार करते हुए उन्होंने इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स मेंटेन नहीं किए हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि उन्हें नहीं पता था कि ये रिपोर्ट 100% एक्यूरेट है या फिर नहीं। इस इवेंट ने भी एक नया पैनिक क्रिएट कर दिया था। जिस तरह से सिलिकॉन वैली बैंक के बाद 2 और बैंक जल्दी जल्दी कोलैप्स हो गए थे, तो बहुत से लोगों को लग रहा था कि क्रेडिट स्विस भी कोलैप्स हो जाएगा। क्रेडिट स्विस को भी ये अंदाजा था कि अब शायद बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होंगे जिन्हें अपने पैसे विड्रॉ करने की जरूरत पड़े और उसके लिए बैंक्स के पास फंड्स नहीं मौजूद थे। इसलिए 16 मार्च के दिन उन्होंने स्विस सेंट्रल बैंक से 50 बिलियन फ्रैंक्स या $54 बिलियन का लोन लिया, ताकि वो इन विड्रॉल को अप्रूव कर पाए। लेकिन इस लोन ने भी ये साबित कर दिया है कि बैंक के पास कैश की कितनी कमी थी, और इसी वजह से अब नए डिपॉजिटर्स अपना पैसा दूसरे बैंक्स में रखना ही प्रेफर कर रहे हैं। क्रेडिट स्विस के लिए एक अल्टरनेटिव प्लान अब ये बचा है कि उनका रीजनल स्विस बैंक अच्छा बिजनेस कर रहा है और वहीं उनकी ग्रोथ को लीड भी कर रहा है। इसलिए क्रेडिट स्विस को अब अपने बाकी ऑपरेशंस को अपने कॉम्पिटिटर UBS को बेच देना चाहिए और अपने स्विस बैंक ऑपरेशन पर ही फोकस करना चाहिए। UBS उन्हें $1 या 1 फ्रैंक की कीमत देकर खरीद ले तो वो उनके लॉसेस को भी अपने सर कर लेगा, और क्योंकि उसकी फाइनेंशियल हालत अच्छी है, इसलिए वो इस एक्यूजेशन से हो सकता है कि बिजनेस को फिर से प्रॉफिटेबल बना सके। तो ये है क्रेडिट स्विस की कहानी, एक ऐसा बैंक जो कुछ दिनों में शायद बर्बाद हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या ये बैंकिंग कोलैप्स भारत में कुछ असर डालेगा? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।